नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम डिटेल में जो झारखंड टेट का सिलेबस रहने वाला है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि चीजें कैसे हमें तैयार करनी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो वीडियो रहेगी इसमें हम स्पेशली जो CDP है, क्योंकि ये पूरी सीरीज जो अभी बेस्ड है ये CD पर बेस्ड है, हम CDP ही सीरीज में कवर करेंगे। तो जो हम CDP पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए सिलेबस होना बहुत जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो झारखंड टेट का सिलेबस है ये ऑफिशियली कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ना ही ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन, कहीं भी इसका सिलेबस डिटेल में बता नहीं रखा है। लेकिन हम कैसे समझें कि हमें क्या पढ़ना है CDP में? तो देखिए, जो अगर आपने मेरी से पहले वाली वीडियो देखी हो तो मैंने वहां पे एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की थी, और जब हमने एग्जाम पैटर्न को समझा था तो हमने देखा था कि जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो 95-98% CTET के एग्जाम पैटर्न से मिलता जुलता है। और जब मैं बात कर रहा हूँ CDP की, तो CDP देखिए जो बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं इसमें, तो आप चाहे कहीं की भी तैयारी करें, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे DSSSB हो, चाहे झारखंड टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, चाहे CTET हो, कोई सा भी टीचिंग एग्जाम हो, जो CDP होते हैं उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। 98-99% चीजें सेम होती हैं, इसमें कुछ भी नया कुछ भी अलग नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेकिन जो बाकी सेक्शंस हो गए, जैसे कि GS की मैं बात करूं उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है, मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स में भी डिफरेंस देखने को हमें मिल सकता है। किस बेस पर? कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो CTET के एग्जाम में जनरली जो EVS के क्वेश्चंस हो गए या जो मैथ्स के क्वेश्चन हो गए ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज्यादा होते हैं बजाय कि फैक्चुअल। लेकिन झारखंड टेट में जो क्वेश्चंस होंगे वो मोस्टली फैक्चुअल आपको मिलेंगे। खैर, इस सीरीज में क्योंकि हम CDP ही कवर कर रहे हैं तो हम सारा अपना फोकस CDP पे रखेंगे। जो मैं सिलेबस आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ये CDP का सिलेबस है, और अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं ये दोनों के लिए ही कॉमन है। अब सवाल ये उठता है कि जब ऑफिशियली कुछ है ही नहीं अवेलेबल, तो मैं किस बिहाव पे डिसाइड कर रहा हूँ कि कौन सी चीजें हमें पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है? तो मोस्टली चीजें जो मैं आपको यहाँ पे लेकर के आया हूँ ये CDET का जो एग्जाम होता है उसके उस पर बेस्ड है। इसके अलावा जो बाकी टेट के एग्जाम्स होते हैं और उसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन टॉपिक से, उन्हीं टॉपिक्स को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो 1 by 1 करके स्टार्ट करते हैं। जब हम पढ़ रहे होंगे CDP के बारे में इस सीरीज में, तो हम सबसे पहले जो चीजें पढ़ेंगे उसको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास ये पूरा जो सिलेबस है झारखंड टेट का वो मेरे पास पड़ा हुआ है। आप कहेंगे तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। जो झारखंड टेट में जो सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आपको भी हो सके तो इसी हिसाब से तैयारी करिएगा, क्योंकि CDP का सिलेबस काफी बड़ा होता है। लगता है कि भाई छोटा सा है लेकिन काफी बड़ा सिलेबस है। तो सबसे पहली चीजें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब इस चीज से आप परेशान मत हो, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ये सिलेबस मैं आपको बेसिक इंग्लिश में समझा रहा हूं, लेकिन जब हम क्लासेस करेंगे तो हमारे क्लासेस बाइलिंगुअल होंगी, जिससे कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ पाएंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ पाएंगे। अब जब मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की, तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो मुझे पढ़नी है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस बताना पड़ जाता है कई बार कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। इनमें काफी डिफरेंस है, काफी इंटररिलेटेड भी है चीजें। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, लगभग 11-12 प्रिंसिपल्स हैं जिसको कि हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे जो है डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। ये एक तरीके से आपके लिए जस्ट इंट्रोडक्शन होगा इसमें कि भाई कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं। बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, ये बहुत सारे डायमेंशंस हैं। हालांकि हम एक एक डायमेंशंस को डिटेल में पढ़ेंगे,
लेकिन वो आगे, यहां पर हम चीजें शॉर्ट में समझेंगे, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम जो उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं उनको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट में क्या पढ़ेंगे, हेरिडिटी क्या होती है, एनवायरमेंट क्या होता है, इनका आपस में इंटररिलेशन क्या होता है, ये बच्चे को कैसे अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की हेरिडिटी पर अफेक्ट डालते हैं, या ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के एनवायरमेंट पर अफेक्ट डालते हैं, ये कुछ बेसिक चीजें जो हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, अब हम जो है जितने भी डायमेंशन होंगे डेवलपमेंट के उसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सोशलाइजेशन से, कि सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा जब हम सोशलाइजेशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है, सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं इनकी थ्योरी को, वो पढ़ेंगे। इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे साइकोसोशल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी, इस चीज को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। साइकोसोशल थ्योरी जो एरिक एरिक्सन ने दी थी उसको हम पढ़ेंगे। अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो आप इसको उतार लीजिए, क्योंकि मैं ऊपर की चीजें मिटाता जाऊंगा एक एक करके, क्योंकि लंबा सिलेबस है और अगर हमें चीजें समझनी है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा डेवलपमेंट का डायमेंशन होगा वो होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे होता है कैसे नहीं। इसके अलावा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरी हो जाती है एक होती है पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा बंडूरा की थ्योरी, ठीक है, इन दोनों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। फिर जब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो डायमेंशन होगा वो होगा हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम मेनली दो इंपॉर्टेंट, दो नहीं तीन हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक तो पियाजे के बारे में बात करेंगे कि पियाजे की थ्योरी भी है, पियाजे ने भी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे अपने विचार दिए थे। इसके बाद हम चोमस्की के बारे में पढ़ेंगे और वाइगोत्स्की, इनके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें एक इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं डैनियल गोलमैन, नाम सुना होगा, इनकी किताब भी है, उसको हम किताब नहीं पढ़ेंगे लेकिन जो डैनियल गोलमैन ने कहा था इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ के साथ ईक्यू क्या होता है इसको समझेंगे, जिसको इमोशनल कोशेंट भी कहते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है मोरल डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं किस प्रकार से हम जो डेवलपमेंट के एक एक एस्पेक्ट्स हैं, एक एक डायमेंशन हैं, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। अब मोरल डेवलपमेंट जब हम पढ़ रहे होंगे तो मोरल डेवलपमेंट में एक जो थ्योरी जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है वो तो आती है कोहलबर्ग की थ्योरी। कोहलबर्ग की थ्योरी जो हम पढ़ रहे होंगे और एक पियाजे की, पियाजे की जो थ्योरी है इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद सारे डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम आएंगे मेन लर्निंग पे, कि भाई लर्निंग के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि लर्निंग पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग के बारे में। लर्निंग क्या होती है वो समझेंगे,
लर्निंग कर्व ये क्या होता है वो पढ़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे इसमें लर्निंग थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें कि एक एक करके अगर मैं बताऊं तो थॉर्नडाइक की थ्योरी हम पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक की भी थ्योरी कई सारी है, जिसमें कि कुछ लॉ ऑफ लर्निंग कहलाती है। लॉ ऑफ लर्निंग में भी प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग आ जाते हैं, वो हम कवर करेंगे। बहुत सारे हैं, 8-9 इन्होंने थ्योरीज दी थी सिर्फ इसी में। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ट्रायल एंड एरर, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद और भी थ्योरीज हैं लर्निंग की, वो हम कवर करेंगे एक एक करके। मैं यहां लिख देता हूं, पेवलोव की थ्योरी हम पढ़ेंगे इसके बाद। यहां पे पेवलोव की आपको पता होगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है स्किनर की थ्योरी। स्किनर की जो थ्योरी है उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कोहलर की थ्योरी। कोहलर की जो थ्योरी है उसका नाम है इनसाइट थ्योरी या इनसाइट लर्निंग के लिए, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो लास्ट इसमें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑसुबेल की। ऑसुबेल ने भी लर्निंग के ऊपर अपने विचार दिए थे। ये सारी चीजें कवर हो जाने के बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज, अब लर्निंग डिसेबिलिटीज में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, कुछ के नाम मैं बता देता हूं, जैसे कि ADHD हो गया, ये हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा ऑटिज्म, ऑटिज्म को समझेंगे, ऑटिज्म पे खूब क्वेश्चन आते हैं। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया पे बात करेंगे। डिस्प्रेक्सिया पे बात करेंगे, डिस्प्रेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, डिसफेजिया, बहुत सारी हैं, अफेजिया, ये सारे बहुत सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं जिसको कि हम डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लर्निंग के बाद जो हमारी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी रहेगी। लर्निंग का काफी बड़ा चैप्टर है, कई सारी क्लासेस हमारी लर्निंग के ऊपर ही जाएगी क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है लर्निंग अपने आप में। मोटिवेशनल थ्योरीज, कुछ मोटिवेशनल थ्योरी भी हम पढ़ेंगे, जिसमें कि अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है मोटिवेशनल थ्योरी वो देखेंगे। मोटिवेशनल थ्योरी, ठीक है, इसमें अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके अलावा मोटिवेशनल थ्योरी में और भी चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे कि एक होता है मोटिवेशनल साइकिल, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज होती है मोटिवेशनल साइकिल, ठीक है। और भी चीजें हैं, हायरार्की है जो अब्राहम मैस्लो ने दी थी, ये सारी चीजें इसमें हैं। उसके बाद जब ये हमारा कवर हो जाएगा फिर हम आएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी क्या होती है, और आपको पता हो कि पर्सनैलिटी की भी थ्योरी है, तो हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी एंड थ्योरी, थ्योरी ऑफ, एक मिनट, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये पढ़ेंगे हम डिटेल में,
उसके बाद ये कवर होने के बाद हम आएंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस क्या होता है इसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आईक्यू का, उसको पढ़ेंगे, और फिर हम इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ेंगे। इंटेलिजेंस थ्योरी, इंटेलिजेंस थ्योरी में बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो स्पीयरमैन की थ्योरी आती है, जैसे स्पीयरमैन की, और टू फैक्टर थ्योरी होती है, वो हम डिटेल में करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्स्टन की एक थ्योरी आती है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो आती है थॉर्नडाइक की थ्योरी आती है, मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद एक आती है थ्री डायमेंशनल थ्योरी, जो कि जेपी गिलफोर्ड की है, ठीक है। तो जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी है थ्री डायमेंशनल थ्योरी, इसको कवर करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक हावर्ड गार्डनर की भी एक मल्टी फैक्टर थ्योरी है, वो भी हम पढ़ेंगे। और इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हावर्ड गार्डनर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मल्टी फैक्टर, इसको कवर करेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ छूट रहे हैं हों इसमें, उसको भी हम कवर कर लेंगे, छोटे मोटे हैं ये सारे। इंटेलिजेंस वाला टॉपिक भी काफी बड़ा है, बहुत सारी इसमें थ्योरीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो कुछ छोटे मोटे टॉपिक रहेंगे, जो कि एक एक क्लास ही काफी है, एक एक क्लास में ही वो चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, क्रिएटिविटी क्या होती है, इस पे क्वेश्चंस खूब पूछा जाता है, क्रिएटिविटी को हम अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। फिर हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन। और जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रहे होंगे उसी वक्त हम एक टॉपिक आता है लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, उनके बारे में समझेंगे। लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, इसको कवर करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आएगा इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में हम बात करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन उसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा जेंडर बायसेस, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस सीरीज में वो रहेगा असेसमेंट। असेसमेंट में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाता है, इसमें आ जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ेंगे, वो हो जाता है क्वेश्चनेयर। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम समझेंगे कि एक अच्छे जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। ये टॉपिक ज्यादा बड़े नहीं है, एक एक क्लास इनके लिए काफी है। तो ये सारा जो सिलेबस है ये रहने वाला है झारखंड टेट के लिए, और मुझे उम्मीद है कि जब हम ये सारी चीजें कवर कर लेंगे तो हमारा झारखंड टेट से रिलेटेड 99.99% चीजें कवर हो जाएंगी। अगर 0.1% कुछ चांसेस हैं कि वे छूट रही हैं,
और ड्यूरिंग द सीरीज या जब हम जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे, अगर हमें लगेगा कुछ चीजें छूट रही हैं तो उसको भी हम कवर करेंगे, लास्ट में हम कुछ मिसलेनियस चीजें पढ़ लेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो मैंने इसमें नहीं बताई हैं, छूट गई हैं, मुझे पता है वो कुछ एक छोटी मोटी हैं जो कि मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता था क्योंकि लंबा हो जाता है लेक्चर। जैसे लर्निंग थ्योरीज में हम पढ़ेंगे तो लर्निंग और भी थ्योरीज होती हैं, वो छोटी मोटी थ्योरीज हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, मैंने जो आपको बताई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब ये तो आपको करना ही करना है हर हालत में, ये चीजें नहीं छूटनी चाहिए। आप क्या करेंगे, आप ड्यूरिंग द लेक्चर आप नोट्स बनाएंगे, हालांकि मैं भी नोट्स बनाऊंगा लेकिन आप अपने हाथ से जब नोट्स बनाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आप चाहते हैं कि मैं भी नोट्स प्रोवाइड करा दूं तो मैं ड्यूरिंग द लेक्चर जब लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आपको नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करूंगा, जो जिस दिन मैं जो कुछ पढ़ाऊंगा उसी के नोट्स। ठीक है, बाकी मेरा सजेशन रहेगा कि आप खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, कि भाई किसी का बना बनाया मत लीजिए, मत खरीदिए। ठीक है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स जो बनेंगे वो मेरे लेक्चर से रिलेटेड हैं, आप उसके बिहाफ पे बाकी चीजें नहीं कर सकते। तो हो सके तो अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, लेकिन नहीं, अगर आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है, आप चाहते हैं कि नोट्स भी बने बनाए मिल जाएं, तो हम उसके लिए मेहनत जरूर करेंगे। रखते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो से जो है अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। बी सीरियस, तैयारी अच्छे से करनी है, अब मौज मस्ती थोड़ी सी कम कर देंगे और बिल्कुल 100% अपना देंगे झारखंड टेट को लेकर। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों वीडियो आज के समाप्त करता हूँ, कैसी लगी बताइएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।